नमस्कार बच्चों, डाइंग टॉपिक में आज हम बात करेंगे रंगाई के विभिन्न मेथड्स, या फिर हम इसको रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं भी कह सकते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वस्त्र को न केवल तैयार होने के बाद रंगा जाता है, बल्कि रंगाई का जो काम है वह किसी भी स्टेज पर हो सकता है, चाहे वो जब रेशा होता है उस वक्त हो सकता है, या फिर जब वो धागा है उस वक्त हो सकता है, या फिर जब वो कपड़ा है उसके बाद में हो सकता है। रासायनिक रेशों के से बने हुए कपड़ों के संबंध में एक और बात है कि जब कपड़ा जो है नहीं बना है, रेशा जब नहीं बना है, उसके पहले जब वो कोलाइडल घोल होता है, यानी कि रेशा बनने से पहले जो घोल है, उस वक्त भी उसमें रंग डालकर रंगीन रेशे तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जो डाइंग है वह अलग अलग स्टेजेस में होती हैं। रंगाई हाथ और मशीन दोनों से हो सकती हैं, और रेशे की रंगाई अलग तरीके से होती है, धागे की अलग और वस्त्र की अलग। अलग अलग रंगों को हम अलग अलग प्रकृति के रेशों से बने हुए कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे वह अलग अलग प्रकार की रंगाई के बारे में बात करेंगे, यानी अलग अलग तरह की रंगाई के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक डाइंग। स्टॉक डाइंग जो है वह रेशे की रंगाई है, यानी कि धागा बनने से पहले जब वह रेशे की स्टेज में है उस वक्त उसे रंग दिया जाए, तो ऐसा रंगा हुआ रेशा रंगीन धागा बनाता है और उस रंगीन धागे से आगे कपड़ा तैयार किया जाता है। रेशे की स्टेज में जब हम रंगाई करते हैं तो वह स्टॉक रंगाई में रंग पक्के चढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि रेशों को बड़े बड़े टैंक में डालकर उच्च तापमान पर रंगों को प्रवाहित किया जाता है, और इसकी सहायता पंप की सहायता से रेशों को रंग में प्रवेश किया जाता है। दूसरा जो है वह है टॉप डाइंग। टॉप डाइंग भी रेशों की ही रंगाई है, और यह जो है वो ऊनी रेशों को रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्स्टेड फैब्रिक जो बनते हैं वो इन्हीं रेशों, मतलब वर्स्टेड ऊनी जो रेशे होते हैं, यानी कि लंबे जो ऊनी रेशे हैं, वो टॉप डाइंग के द्वारा रंगे जाते हैं। इनमें क्या करते हैं, कॉम्बिंग के बाद में जो हमें ऊनी रेशे प्राप्त हुए हैं उन्हें रंग के घोल में से गुजार कर रंगाई की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है डॉप डाइंग। डॉप डाइंग भी रेशे की रंगाई ही है, और इस रंगाई के द्वारा कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। कुछ रसायनों को के घोल में रंग जो है वो घोल को स्पिनरेट के छेद से गुजारते हुए जो कृत्रिम रेशे निकल रहे हैं वो स्पिनरेट से निकलते ही सीधे ही रंग के घोल में चले जाते हैं, ताकि उन्हें रंगाई कर दी जाए। और इस तरह से रंगे हुए जो रेशे हैं डॉप डाइंग से, वो इतने पक्के रंग उन पर चढ़ते हैं कि किसी भी तरह के पसीने और धूप और ब्लीच का, उन पर धुलाई का, प्रकाश का उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कृत्रिम विधि से जो तैयार जो वस्त्र होते हैं उनके रंग पक्के होने के पीछे एक कारण यह भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं धागे की रंगाई, जिसको कि यार्न डाइंग या स्कीन डाइंग भी कहते हैं। जब रेशे से धागा तैयार हो गया है और उसके बाद में वह धागा जो है उसको लंबी लंबी लच्छियों के रूप में, यानी कि स्कीन के रूप में तैयार कर लिया जाता है, और इन स्कीन को छड़ के ऊपर लटका कर इनकी रंगाई की जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डाई है, यार्न डाइंग ही स्कीन डाइंग है। इसके बाद में जो अगली डाइंग है वह है पीस डाइंग, यानी कि तैयार वस्त्र की रंगाई। कपड़ा जब बुनकर तैयार हो गया है धागे से या फिर रेशे से, तो उसके बाद में उसको रंगा जाता है, और यह जो रंगाई है वो विभिन्न प्रकार की
होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टाई एंड डाई का, यानी कि बंधेज का, रील डाइंग, यूनियन डाइंग, क्रॉस डाइंग, जिग डाइंग इत्यादि जो हैं वो पीस डाइंग के उदाहरण है। यानी कि कपड़ा तैयार होने के बाद में उसको अलग अलग प्रकृति के रंगों से रंगा जाता है, और वह रंगने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि पहले कपड़े को गीला किया जाता है, गीला करने के बाद में उसको डाई अप्लाई की जाती है, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो डाई है वो हटाकर उसको फास्टनिंग उसकी की जाती है। तो यह जो है वो अलग अलग तरह की रंगाई मेथड्स हैं।